स्टूडेंट आई एम अजय शर्मा टीचर HHS लड़ोका गोइंग टू डिलीवर 10th क्लास बायो टॉपिक जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी. तो जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जैसे जो बच्चे हैं वो रिजेंबल करते हैं अपने मां बाप से, ठीक है. जैसे किसी भी कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो बच्चे होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल या उनका जो फिजिक है वो अपने मां बाप पे जाता है. इसका मतलब है कि जो करेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंट्स से जाते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. नो सेकेंड इज व्हाट इज वेरिएशन. स्टूडेंट्स जैसा आपको पता है कि एक्सेप्ट ट्विन्स कोई भी दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम नहीं होते फिजिक में या फिजिकल अपीयरेंस में या और किसी भी कैटेगरी में, वो बिल्कुल सेम नहीं होते, यानी कि उनमें डिफरेंसेस होते हैं. ये जो डिफरेंसेस होते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं वेरिएशन, यानी कि डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इवन सेम स्पीशीज. एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म भी सेम कभी नहीं हो सकते. अब जो है जेनेटिक्स, ये एक ब्रांच है बायो की जो डील करती है स्टडी हेरिडिटी और वेरिएशन की, यानी कि जिस साइंस में जिस बायोलॉजी में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स, यानी कि ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक्स को ये ब्रांच बायो की है और इसके फादर हैं जो वो हैं ग्रीगर जोहान मेंडल. ग्रीगर जोहान मेंडल वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. व्हाई? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट हु स्टडीड जेनेटिक्स. अब हम मेंडेलियन वर्क जो है उसको स्टडी करेंगे. किसको? मेंडेलियन वर्क, यानी कि मेंडल ने किस पे काम किया, कैसे और कैसे मेंडल्स लॉ फॉर्मुलेट किए.